सबसे आगे बढ़ने की दौड़ लगी हुई है, उसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान है। किसी को पढ़ाई में कॉम्पिटिशन है, किसी को बिजनेस में कॉम्पिटिशन है, किसी न किसी रूप में किसी को बीमारियों का टेंशन है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति में स्ट्रेस देखा जा रहा है। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिसका प्रयोग करके हम काफ़ी हद तक आपको सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो मेडिसिन आती है वो आती है कालीफास। ये जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इतना सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, सोचते हैं किसी भी चीज़ को, एक कोई परेशानी हुई उसको उस बात को लेकर के बस सोचते ही जाते हैं कि ये कैसे हो गया, अब हमारा क्या होगा, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और उन्हें रात में नींद भी नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को हम कालीफास देते हैं। जो व्यक्ति होता है वो ऑल टाइम परेशान रहता है, हमेशा दुखी रहता है, उसके पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, हर तरह से संपन्न होता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और किसी ना किसी वजह से ज़बरदस्ती अपने आप को दुखी कर लेता है। जो परेशानी उसको नहीं भी है उन बातों को लेके, किसी की बात सुन ली, किसी और के लिए बुरी खबर सुन ली, तो वो परेशान रहता है, ऑल टाइम दुखी रहता है। ऐसे पेशेंट्स को हम इग्नेशिया अमारा देते हैं और वो कुछ दिन में ही इस कंडीशन से उसे निजात मिल जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है दोस्तों वो आती है ऑरमेड। इसका जो मरीज होता है वो ऑल टाइम परेशान रहता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में की स्थिति में जाने लगता है, उसे लगता है वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ऑरमेड देने के बाद दोस्तों उसकी ये सोच अपने आप इम्प्रूव कर जाती है और वो उसकी स्थिति ठीक होने लगती है, वो डिप्रेशन में भी नहीं जा पाता है क्योंकि ये डिप्रेशन की शुरुआत की स्थिति होती है, तो वो डिप्रेशन में जाने से रोक दिया जाता है उसे, और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद उसकी सोच भी बदल जाती है। वो फिर जो ऑरमेड का पेशेंट होता है वो ऑल टाइम परेशान रहता है, उसे लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है दोस्तों वो है नक्सभूमिका। नक्सभूमिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है और चिड़चिड़ेपन की वजह से उसके में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, हर बात में नाराज हो जाता है, कई बार कोई पॉजिटिव चीज़ भी रहती है उसमें भी वो गुस्सा हो जाता है, वो सिर्फ उसकी स्ट्रेस की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि उसका बिहेवियर हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कि अच्छी चीज़ भी उसे खराब लगती है और वो हमेशा चिड़चिड़ापन और गुस्से से भरा हुआ रहता है, उसे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, अकेले रहना पसंद होता है, अंधेरे में रहना, लाइट ऑन नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि मैं अकेले रहूं और लाइट भी ऑफ रहे, अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं उनको नक्सभूमिका दी जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। नेत्रहीन का जो पेशेंट होता है उसे खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है, फिर भी तनाव में रहता है, उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं है, उसके पेशेंट को नमक बहुत अच्छा लगता है, हेयर फॉल होता है और उसका जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो बिना वजह रहता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती तनाव में आ जाता है। मेडिसिन जो है दोस्तों वो है कॉफ़ी और फ्रूट। इसका जो पेशेंट होता है वो उसको इंसोमनिया की शिकायत होती है अक्सर, और वो उसे नींद नहीं आती है, स्ट्रेस में रहता है और एनजाइटी भी रहती है उसको। मेडिसिन जो है दोस्तों वो है आर्सेनिक एक्ट। आर्सेनिक एक्ट का जो पेशेंट होता है वो जब स्ट्रेस में आता है तो उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर टहलता रहता है और बेचैन रहता है, परेशान रहता है, एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाता है और उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और उसकी जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों वो है एकोनेट नेपल्स। एकोनेट नेपल्स का जो पेशेंट होता है
ज़्यादा रहता है। डर की वजह से वो कई बार वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी धड़कन तेज़ चलने लगती है, बहुत तेज़ चलने लगती है और वो परेशान हो जाता है। वो कोई थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हम एकोनाइट नेपल्स। इसके अलावा दोस्तों हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होता है। मेडिटेशन से हम स्ट्रेस से में बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। अगर मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों साथ में हो तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और उसके अलावा हमें अपने रिश्तों को में मिठास लानी चाहिए, और जिससे हम अपना कभी कोई परेशानी में भी आए तो हम अपना दुख दर्द अपने जो भी करीबी हैं, जो भी मित्र हैं या फिर जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम अपने दुख को बांट सकते हैं।